ये ले भाई मस्त वाला पैक। इस खुशी में, खुशी हो या गम, लगे दम तो मिटे गम। और खुशी इस बात की मना कि बुआ ने अपना मुंह नहीं खोला, वरना गब्बर तुझे घर से बाहर निकाल देता। और हाँ, अगर गम मनाना भी है ना, तो इस बात का मना कि दीपिका से तेरी शादी फिर से तय हो गई। यार भर भर के कांड किया कि कैसे भी करके ये शादी टूट जाए। नमक से लेके दहेज तक सब शगुफे छोड़ दिए, पर नहीं, उल्टा हमारे ही सर पर ओले पड़ गए। ऊपर से अब तो दीपिका के पापा भी बाबूजी के लपेटे में आ गए। यार हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। यार तू ना बहुत सीधा इंसान है, तू रहने दे। और पता है यार, हम मिडिल क्लास लोग हैं, पता है, किस्मत जो दे रही है ना, हमें वो चुपचाप ले लेना चाहिए। इसलिए तू लड़ाई खत्म कर और अब दीपिका से शादी कर ले। अब तो हमें भी लगने लगा है कि अगर हम किस्मत से लड़ेंगे तो हमारी ही हार होगी। उससे अच्छा तो हम चुपचाप दीपिका से शादी कर ही लेते। अच्छा, तो इस मोटे महाराज को अपनी शादी तोड़वानी थी, इसलिए इसने हमारे कबूतर काले करके हमको मोहरा बनाया। ये बहुत गलत किया तुमने पीयूष, बहुत गलत। सबके सामने मिश्रा जी से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। दीपिका से माफी मांगो, से माफी मांगो। प्रज्ञा, प्रज्ञा शादी के किसी भी समारोह में शामिल नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा हुआ प्रज्ञा तुम्हारी शादी नहीं हुई, शादी नहीं। ऐसी घटिया सोच से तो तुम्हारी शादी में दहेज के पोट तले मैं तो दबके ही मर जाता, मर जाता। अब सबके सामने मिश्रा जी से माफी मांगो, ऐसी घटिया सोच से तो तुम्हारी शादी में दहेज के पोट तले मैं तो दबके ही मर जाता, मर जाता। मेरा इसका कोई, सबके सामने मिश्रा जी से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। दीपिका से माफी मांगो। उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। तू साक्षी है भगवान, उनकी वजह से हमारे भैया ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। जितनी गहरी चोट उन्होंने हमको पहुंचाई है ना, उतनी ही भारी कीमत देनी पड़ेगी उनको। अब ये शादी, शादी जरूर होगी। आने दो दीपिका को इस घर की बहू बनकर। माधुरी के साथ तो हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर अब हमने दीपिका और पीयूष की जिंदगी को नरक नहीं बना दिया ना, तो हमारा नाम भी प्रज्ञा नहीं है। आप कबूतर नहीं,
जिंदगी काली कर देंगे हम, जिंदगी। तू चाहता था ना कि हम पश्चाताप करें, अब तू पछताएगा पीयूष, तू। हम कसम खाते तुम दोनों की जिंदगी को हम बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। ये साथ में हल्दी करने का जो आइडिया है ना, वो भैया का ही था, इन्होंने ही मनाया शर्मा जी को। अरे मैं तो कहता हूँ मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अरे हमने एक बार कह दिया और वो फट करके मान गए। और एक बात बताएं, ये जो कार्यक्रम है ना, इसका फायदा भाई खर्चा आधा आधा, और फायदा दुगना। वाह भैया वाह भैया वाह। अरे सारिका बेटा एक मिनट इधर आना। जी आंटी जी। बेटा वो दीपू के ससुराल वालों को फोन करके पूछ लेना कि वो घर से निकले कि नहीं। आंटी जी मैंने अभी अभी फोन किया था, वो लोग थोड़ी देर में निकलने वाले। अरे तो फिर जल्दी जल्दी करो। जल्दी करो अंकल जी। हमारा सरप्राइज धमाका रेडी है कि नहीं? अरे रेडी रेडी माने एकदम लल्लन टॉप रेडी। आने तो दो शर्मा खानदान को, आज उनके होश न उड़ा दिए तो कहना। क्या कहना पता नहीं पर कहना। पांडे जी, अबे का नील गाय बने फिर रहे पहिने इसको? पहना तो रोगा जी। पहना मारे जा पड़ी। नम्मो, अरे नम्मो हल्दी की कटोरी तैयार हुई कि नहीं? हाँ मम्मी बस ला रहे हो? हो गई मैं बस ला रही हूँ, अभी तक यहीं पड़ा है। क्या बात है मेरे रंगीले रहते तो जच रहे हो, राजकुमार लग रहे हो। सफल तुम लाल टमाटर से लाल लाल हो गई है। जो वहां जाके देख लिया था कि गाड़ी आई। अबे कहाँ जा रहे हैं साले साहब, बात सुनो। लजा गया, अब बता रहे हैं शादी के लिए रेडी है हमारा दूल्हा। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये मेघना मेघना चलो बेटा आओ ना, चलो मेरी मदद करो, ये उठाओ। क्या मेघना इतना क्या तैयार हुई है तू? हाँ भाई हल्दी है, शादी नहीं है, और तेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्यों बेचारी को चिढ़ा रही है? इतनी सुंदर तो लग रही है, किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। आपको तो हमेशा मेघना ही अच्छी लगती है। मैं तो आपको अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, मेरी दोनों बेटियां बड़ी सुंदर है, किसी की नजर ना लगे, है ना? कौन आ गया? नमस्ते भाई साहब, आप कैसे? ये रहा आपका ऑर्डर, शर्मा जी ने बनवाया था। किसके लिए जी? वो कह रहे थे कि प्रज्ञा जी के लिए। नहीं अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ले जाइए इसे। क्यों जरूरत नहीं शर्मा जी? लड़के की बुआ जब लड़के को टीका करेगी तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, और बिना टीका लगाए लड़का तो शादी में जाएगा नहीं। वो हम देख लेंगे, अभी आप इसे ले जाइए। आप भाई साहब इसे अभी रहने दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। क्या कर रहे हैं आप? अब रहने भी दीजिए ना, शादी ब्याह का माहौल है, माफ कर दीजिए ना जीजी को। मैं हार चाहिए था ना दहेज में, ये लो। जाना है हमें, देर हो रही है, चलो।
मुंह पर बुराई का लेप लगाए जा रहा है तो हम और भी बुरे बन गए और हमारे बुरे कामों की शुरुआत आज से ही होगी। आज प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।